भाई तेरे में दिमाग की चीज है नहीं, तू आदमी है यार के राक्षस है। आज का हो गया जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, मैंने ये टैटू करवाया जिसमें मेरी बहुत हालत खराब हो गई थी। बट उससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक दिन पहले मेरे मामू ने सेम ऐसा टैटू करवाया था, तो पहले कुछ उसकी झलक देख लेते हैं, देन उसके बाद जो मैंने रिकवर करवाया वो। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बोल दूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, वीडियो के लाइक्स नहीं बढ़ते यार, मोटिवेशनल डोज नहीं मिलता तो वीडियो बनाने का ज़्यादा मन नहीं करता। बट फिर भी कुछ लोग हैं जो कमेंट अच्छे करते हैं, और जो लोग कमेंट अच्छे करते हैं तो उनके कारण मन करता है कि वीडियो बनाऊं। बट थोड़ा बहुत यार आप भी जो नहीं करते सपोर्ट वो भी सपोर्ट करो यार, तभी आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा जो आपने मेरा देखा होगा सेकंड गेमिंग चैनल, उसके लिए भी अभी मैं आगे जाके इस पर भी थोड़ा बहुत उसका व्लॉग बना के एक डालूंगा कि जो काम चल रहा है सारा कुछ उसका भी। तो यार आज फिर जाएंगे एक बार उस शॉप पे, और मैंने टैटू को सेकंड टाइम रिकवर करवाने जाना है अभी, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं रेडी हो जाता हूँ, तब तक आप जो मामू ने टैटू बनवाया और जो मैंने सेकंड टाइम रिकवर करवाया था टैटू को, आप वो जाके देखो। मिलता हूँ रास्ते में, बाय। फ्लैशबैक। टैटू बन गया, चलिए सनी टैटू बनवाओगे? तो कह रहे मैं बनवाना है। अजय अगर आप ये 15 दिन के लिए रेडी नहीं हो ना तो आप मत बनवाओ। आप समझ रहे हो? अगर ये पेन और अगले 15 दिन इसको संभाल नहीं सकते तो आप मत बनवाओ। 10 seconds later हो गया। टोटल कितने टैटू हो गए आपके? एक तो ये वाला, दूसरा और ये तीसरा, बस गोपी नहीं रखा है। हाँ, चौथा एक ये टैटू है, और एक ये पूरा बनेगा यहाँ। अभी पूरा चेस्ट से लेके बनवाएंगे, बाजू से लेके एक लात, आधा शरीर पूरा हो जाएगा इनका। की कहते और शिव जी की कहते ने आधा रूप की कहते ने इन्होंने आधा हिस्सा इतना कर लेना शिव जी का, इधर माता का। नहीं राधा का नहीं, तुझे किन्नी सेटिंग की तरह कराई जाते जी, तुझे किन्नी सेटिंग की तरह करवा रहे हो। पार्वती माता का आउटलाइनिंग तो हो चुकी है कंप्लीट, और अभी चल रही है शेडिंग, और मामू को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है शेडिंग में। तो स्माइल चेक करो, ये झूठी मूठी वाली स्माइल है, हालत देखो क्या हो रखी है। और इसके बाद ये बैठे पीछे टैटू करवाने वाले। हाँ भाई, तू बोल रहा था तेरे को टैटू करवाना, कौन सा टैटू करवाना है बताइयो, कहाँ पे करवाना है टैटू, कहाँ पे करवाना है? अरे तू तो घर पे कह रहा था मैं यहाँ पे बाजू पे बनवाऊंगा। ये टेम्परेरी टैटू वाले भी हैं यहाँ पे। और अभी 10 कितना परसेंट हो गया है? अभी तो 10% ही जैसा हुआ, अभी लाइनिंग कंप्लीट है, फिर इसका शेडिंग होगा, फिर फीलिंग होगा। ओके ओके, कैसा फील हो रहा है मामू जी हाथ पे टैटू करवा के? तो आप शक्ल से पहचान सकते हो, थोड़ा सा लाइट मारना इनके फेस की तरफ, तो इनकी शक्ल से आप पहचान सकते हो कि हाथ पे टैटू बनवाने में कितना दर्द होता है। तो बाकी अभी जैसे कंप्लीट होता है आपको साथ के साथ सब कुछ दिखाते हैं। बाकी भाई का नंबर और इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, तो जाके फॉलो करो, और जो अहमदाबाद में जिनको टैटू बनवाने हैं तो इनसे कॉन्टेक्ट करो, और भाई थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देना। मैं पंजाब से आया हूँ, ये देखो पंजाब से आए हम टैटू बनवाने भाई से।
बाकी यार आप लोगों को पता है मैं अहमदाबाद इन्हीं के पास आया था पिछले ब्लॉग में आपने देख लिया होगा। इतना दर्द क्यों हो रहा है यार? बंद कर लो दो मिनट तो आपको लग रहा है इतना। बाकी ये टैटू तो कितनी बार मनाए सुन। हाँ वो बंदे ऐसे बैठ के चले जाते जैसे वो पिछले वाला। हाँ क्यों भी नहीं निकलती है। हाँ ये भाई का मतलब डायलॉग है समझो ताकि ज्यादा चीट पाक ना करे नहीं तो बेइज्जती महसूस करेगा बंदा। नहीं तो सबकी हालत मेरे से ज्यादा ही खराब होती नहीं, है। नहीं 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 रियली दो मिनट बना बंदे एड्डे बजे मौके थोड़े ना छड़ने हैं। तू की मौका जान तू गाना बंद कर दे यार भरावा गरीबी कट्टो का लोग से सुनावांगे नहीं दर्द बड़ी मुश्किल ना मिलता है। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस है आपका? कुछ अच्छा बोल रहे हैं। इधर तो नहीं निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। टैटू अच्छा है बट टैटू तो अच्छा है। बाकी काज करवा के जाओगे? बताऊं ऐसा लग रहा है जैसे ना हाथ पे किसी ने मार ली। व्हाट अ फेस एक्सप्रेशंस। यार पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है इस बार। पहले नहीं होता इतना। पहले ये बनवाया ये बनवाया ये बनवाया नहीं हुआ कभी। आज तो आज छोटे दिनों तक किन्ने इन्ना के 10-1 घंटे लग गया होना। आज छोटे वाले में अभी थोड़ी सीरियस लेके अभी टैटू को कर रहे हैं कंटिन्यू। कितना परसेंट हो गया भैया टैटू? 50% हो गया बस बाकी 50% हो गया बट इनके लिए अभी भी 100% ही बढ़ा हुआ है। हालातों के हिसाब से भी 100% ही बढ़ा हुआ इनका। आज का हो गया मेरे बस का नहीं है अभी। मैंने पहले ही बोला मेरे बस का नहीं है यार अगली सिटी में पूरा करेंगे। ये जहां परसेंट हो जाने दो प्रमोशन करा भाई तू हट जा मैं सही बात बता रहा हूँ तेरे पड़ जाएंगे। मैं टैटू की बना रहा हूँ यार। यार टैटू बहुत ही बढ़िया बन रहा है। मामू खुश हो टैटू बाबू? टैटू से खुश हो? टैटू से खुश हूँ पर ये जो हाथ पे गांठ लगी है और यहाँ फाड़ी चल रही है। हाथ पे टैटू मत बनवाना यहाँ फाड़ी पे बनवा लेना पर हाथ पे टैटू मत बनवाना। भाई सही कह रहा हूँ सुन रहे हो ना? टैटू बनवा लेना पर हाथ पे टैटू मत बनवाना। मामू ने कहना 5 उंगलियों की 5 हड्डियां जिनके ऊपर पैंचो दाग हो रहे हैं पूरे। ओ भाई तेरे में दिमाग की चीज है नहीं तू आदमी है यार के राक्षस है। यमदूत है यमदूत। हे भगवान कहाँ है तू उठा ले इसको।
हमको गड्डी में चलाऊंगा नहीं मैं चलाऊंगा ओ भाई यहाँ मत बना ओ माय गॉड बिंदी ला रहा भाई भाई थोड़ा आराम से करते 5,000 ले लिए और बोल रहा हूँ 700 रुपए कहता 100 रुपए एक्स्ट्रा ले लियो नीचे उतार तो यार टैटू हो चुका है कंप्लीट मामू के हिसाब से भाई के हिसाब से नहीं अभी तो आधा हुआ है अभी आधा अगली सिटिंग में होगा बाकी अच्छा लगा कौन टैटू बहुत बढ़िया लग रहा है मामू उससे ज्यादा आपके एक्सप्रेशन अच्छे हैं तू हटाना इसको एंड अ फ्लैशबैक गाइस हम लोग टैटू में सेटिंग करवाने जा रहे हैं इस टैटू में देखो तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग ये वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 1.5 हफ्ते के बाद और एक्चुअली आज मेरे को टैटू करवाने जाना मतलब कि उसका दूसरी लेयर करवाने जानी है जो आगे टैटू करवाया था तो आज होगी उसकी दूसरी लेयर आप यहाँ पे टैटू को देख सकते हो मतलब थोड़ा बहुत ग्रे कलर में शुरू कर रहा होगा आपको क्योंकि ऊपर वाला जो मास्क था हल्का हल्का वो उतर गया तो आज इसकी सेकेंड लेयर करवाने जा रहे हैं हम तो यार अभी अभी हम यहाँ से घर से निकले हैं और टाइम हो चुका है सुबह के 11:30 हो चुके हैं 12 बजे का उन्होंने टाइम दिया था बट अभी हमें 1 घंटा लग जाएगा बिकॉज ऑफ रश बहुत ज़्यादा है अहमदाबाद में एज ऑलवेज तो अभी मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे जाके मिलता हूँ टैटू शॉप पे यार फाइनली अभी टैटू करवाने के लिए आ चुके हैं भाई के पास अगेन तो और अभी टैटू को थोड़ा कवर करने के लिए भाई के पास वापस आ चुके हैं तो यार अभी सेकेंड टाइम फिलिंग करवाने लगा हूँ तो ये देख सकते हो मेरा टैटू अब इसको हम डार्क करवाएंगे उसके बाद लाइट तो नहीं होगा अब सेकंड टाइम करने के बाद होगा लेकिन लॉन्ग टाइम के बाद होता है वो तो कोई नहीं तब तक तो टैटू बनना शुरू हो गया और पता नहीं चालू हो चुकी है तो यार सेकंड राउंड हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे डार्क डार्क हो चुका है सेकेंड राउंड बहुत हालत ख़राब हो रही है यार सब हालत ख़राब हो गई आज के तो टैटू में पूरी हालत ख़राब हो गई बनवाते बनवाते पसीना देखो पसीना कितना आ रखा है यार सच्ची में बहुत हालत ख़राब हो गई भाई मज़े ले रहे हैं स्माइल कर रहे ओ भाई धीरे तो यार फाइनली टैटू कंप्लीट हो गया कम ही कम लगाने इस तरीके से लगाने नॉर्मल लिया मैं तो भाई भर के लगा लेता था भर के नहीं लगाने तभी तो नहीं आता ऐसे रखने का जगह इसी तरह से घिस देने बस अच्छा ठीक है दिन में कितनी बार 4 से 5 बार लगा देने बस ज़्यादा नहीं भर के लगाओगे तभी तो इंक नहीं रहती अच्छा मैं तो भर के लगा रहा था कि मैंने इसको मना किया भी इतनी भर के नहीं सिर्फ चिकनाहट रहने चाहिए बस और कुछ नहीं बस ऐसे ही रखने समझ के समझ कलर अंदर पकड़ेगा अगर भर के लगाएंगे तो फिर कहाँ से रहेगा सर फाइनली टैटू आज कम्प्लीट हो चुका है कितनी बार टैटू अपने और कितनी बार करवाना पड़ता है वैसे अभी ये सेकंड टाइम हो गया है बस एक और बार करवाना पड़ेगा वो केयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है पूरा अच्छा जितना केयर करोगे उतना ज्यादा बेटर है ना क्या आपने ज्यादा लगा लिया है ना ऑइलमेंट इसकी वजह से ओके 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 तो भाई मतलब कि टैटू किस तरह से क्या प्राइस के हिसाब से आप लेते हो मतलब ये तो क्या है इसमें इंच के ऊपर प्राइस होता है पर इंच का 300 यहाँ पे है जैसे अभी बाहर से आते हैं तो 500 हो जाता है और कलरिंग में अगर कर रहे हैं तो 700 यानी कलरिंग का अलग चार्ज होता है ओके कलरिंग का अलग चार्ज है ना समझ गया तो यार जैसे मैंने ये करवाया था टैटू ये मेरे को 3000 में पड़ा था और उसके बाद अब शेडिंग करवाने पे सेकंड टाइम मतलब आया तो 500 रुपीस लगा बाकी ज्यादा ही लेते हैं लेकिन आपसे कम लिया है थैंक यू जो मेरी तरफ से लोग आएंगे उनको भी थोड़ा कम करके डिस्काउंट दे देना फुल डिस्काउंट तो यार फाइनली गाइस टैटू कंप्लीट हो चुका है और यार हालत पूरी ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा दर्द हुआ हाथ पे टैटू क्योंकि अभी रिकवर प्रॉपरली नहीं हुआ था मैंने फिर भी बना लिया और अभी अपन निकलते हैं घर की तरफ तो यार टैटू में इतनी जलन हो रही है ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है यार हाथ पे टैटू मत बनवाना फर्स्ट टैटू तो खास करके हाथ पे मत बनवाना और हालत पूरी ख़राब हो रखी है सच्ची बताऊँ ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है पर हाँ थोड़ा बहुत उतना नहीं जितना टैटू बनवाते वक्त था थोड़ा बहुत कम हो गया एंड अब मैं आपको जाके मिलूँगा
परसों दो दिन में, तो तब मैं आपको डायरेक्टली मिलता हूँ, ठीक है, बाय। जैसे आपने देखा मेरे को पूरा मंथ हो चुका है अहमदाबाद आए हुए, और जैसे कि आपको पता है मैं टैटू बनवा रहा था और मैंने आपको दो बार दिखा दिया मैं टैटू शॉप पे गया हूँ वहाँ पे टैटू बनवाने। सेकंड टाइम कवर मैंने करवा लिया, अब थर्ड टाइम कवर करवा के पूरी शेडिंग करवा लूंगा एंड एक दो दिन बाद मैं घर चला जाऊंगा। एंड आप जब ये व्लॉग देखोगे आई थिंक सो मैं घर पहुंच चुका हूंगा। बाकी यार मैं बता दूं, फर्स्ट टाइम जब टैटू करवाया था पेन हुआ था, इतना ज़्यादा नहीं हुआ बट हुआ बहुत था। सेकंड टाइम जब उसने करा ना कवरिंग तो हद से ज़्यादा पेन हुआ, और आज देखते हैं आज क्या बनता है, बट आज पूरा करवाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे को घर जाना है। तो अब मेरा थर्ड हफ्ता है, ये टैटू का थर्ड हफ्ता है। पहले संडे तो मैं घर पर ही था, सेकेंड संडे जब मैं यहाँ पर था तो मैंने टैटू बनवाया, उसके अगले संडे में मैंने इसको कवर करवाया, और ये अब लास्ट संडे है जो मेरा इस बार, संडे तो अभी आने वाला है, तो आज फ्राइडे हो चुका है, डेट फ्राइडे, तो आज फ्राइडे है, तो मैं संडे को जाना है तो इसलिए मैं आज फ्राइडे को ही कवर करवाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या बनता है, पूरा का पूरा इसको कवर करवा लेंगे आज, फाइनल टच दे देंगे इसको। और सच्ची में बट पेन बहुत ज़्यादा हुआ था। और अभी अभी हम घर से निकले हैं, टाइम हो चुका है दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, और मौसम भी बढ़िया हो रखा है बाहर। एंड यार जिस दिन से मैं अहमदाबाद में आ रखा हूँ एक आधा दिन मसा ही धूप आई होगी, नहीं तो बादल बादल या बारिश भी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब मौसम रहता है बढ़िया वाला, और आज भी कुछ ऐसा ही बादल वाला मौसम हो रखा है, अच्छा है, बारिश नहीं अभी बट आगे भी ना आए, होप सो आज के दिन तो ना ही आए, क्योंकि यार टैटू में ना फिर थोड़ा बहुत वो हो जाता, ख़राब हो जाता है बारिश के मौसम में, कहते हैं कि जल्द नहीं करवाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं, सुना तो है, बाकी देखो। यार फाइनली 2 बज चुके हैं और अभी हम आ चुके हैं सैन भाई के घर दोबारा से टैटू करवाने। रास्ता बंद था यार बीच में, पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं था, रास्ता बंद था, इतना घुमा फिरा के लेके आए, 15-20 मिनट हमारा टाइम वहाँ पे वेस्ट हो गया। और ये अभी हम आ चुके हैं भाई के घर, क्या चल रहा है? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। यार फाइनली गाइज आज टैटू कंप्लीट हो गया थर्ड लेयर में, तो यार फाइनली टैटू कंप्लीट हो चुका है थर्ड लेयर में। भाई को इतना पेन हुआ ना कि सहन नहीं कर सकते। चलो भाई, ऐसा नहीं है कि ये क्या पेन वाली जगह है इसकी वजह से पेन होता है, बाकी इतना पेन नहीं होता टैटू में, ठीक है। तो भाई को थोड़ा क्या ज्यादा पेन लग रहा है, फर्स्ट टैटू था शायद इसलिए। चलो मिलते हैं भाई, जरूर, ठीक है भाई। तो आ जाएगा एक्चुअली, मेन रीज़न पता है क्या है, मैं टैटू को कवर भी नहीं होने दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को जाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेयर करवाई एक हफ्ते में, फिर दूसरे हफ्ते में, फिर तीसरे हफ्ते में, तो वो रिकवर नहीं हो पा रहा था, तो ज़्यादा दर्द हो रहा था, बट अब लास्ट बार करवा लिया, इसके बाद नहीं करवाऊँगा। जब दर्द भूल जाता हूँ टैटू का, चुल उठती है दोबारा टैटू करवा के उसके ऊपर पूरा अच्छा से बनवा लूँ। बाकी यार गाड़ी खड़ी है, चलते हैं फटाफट गाड़ी में। यार घंटे के अंदर अंदर टैटू कंप्लीट हो गया, हालत बड़ी ख़राब हो गई, पसीना देख रखे हो आप, एंड जलन इतनी हो रही है ना, हाथ भी पूरा लाल लाल हो चुका है। तो यार एक्चुअली क्या हो रहा था, मामू ने भी ये सेम टैटू बनवाया ना, उन्होंने ऑलरेडी 3-4 बनवा रखे हैं, बट क्या हुआ कि मैं ना वैसलीन, उन्होंने बोला मेरे को वैसलीन लगाने को, तो वैसलीन मैं बहुत ज़्यादा लगा रहता हूँ, तो अब उन्होंने बताया वैसलीन बिल्कुल हल्के से लगाने में, दिन में 4-5 बार लगा देता था, जिससे मेरा टैटू था ऊपर से उखड़ जाता था, तो अब उन्होंने बोला 1-2 बार वैसलीन लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ, बिल्कुल हल्की सी लगानी है वैसलीन, तो बस यही था। अभी अब मैं वैसलीन इस पर कम लगाऊंगा ताकि टैटू मेरा दोबारा रिकवर ना करवाना पड़े मेरे को आगे, क्योंकि हालत ख़राब हो जाती है सच्ची में यार, पूरा पसीने से मुंह भर गया था मेरा, और एसी फैन दोनों चल रहे थे तब भी पसीना हो रहा था, और इसको जुकाम लग गया साथ वाले को एसी में बैठ के। जब मैं पंजाब पहुंचूंगा आई थिंक सो तब पोस्ट करूंगा मैं इसको, तो संडे को मेरी यहाँ से टिकट करवा रखी ऑलरेडी मैंने,
तो देखते हैं, पहले अभी दिल्ली जाऊंगा, देन वहां से पंजाब जाऊंगा। Later that same evening. तो फाइनली यार घर पहुंच चुका हूं, टैटू पूरा कंप्लीट हो गया। कमेंट सेक्शन में बताओ टैटू कैसा लग रहा है, और मामू ने भी टैटू बनवाया था बट उनका पूरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा कंप्लीट हो गया। तो बताओ टैटू आपको कैसा लगा। तो यार आप इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आने वाली वीडियोज़ का अपडेट डालने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लो। तो एज ऑलवेज गाइज बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, फैमिली मेम्बर्स का भी, बाय।